हम लोगों को एक जलसा लेना चाहिए। अगर आप लोगों की राय होगी तो आने वाले जुमा को सैलानी चौक सफीर नगर गुरुवार वार्ड के अंदर हम लोग एक जलसा ले और वहां पर पूरे शहर लेवल के ऊपर हम और आप मिलकर मेहनत करके वो जलसे को कामयाब करें। नहीं बना, क्यों बीजेपी बाहर नहीं आई, क्यों बीजेपी दावा नहीं कर रही, क्यों बीजेपी आओ विश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं कर रही, ये बहुत सारे सवाल सामने हमारे अपने हैं। बीजेपी क्यों खामोश है, तो इसकी वजह है एक कानूनी तौर पर वो गट अलग नहीं हो सकता, तो हमारे सामने आने की जरूरत नहीं कर सकते, ये सब बराबर है, लेकिन अल्लाह का एक उसूल है, अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा था, अल्लाह ने उनको बुला लिया, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज का नेमुल बदल पैदा किया है। हम सभी लोगों को आज बैठने का इकट्ठा होने का यही मकसद है कि भाई खलील भाई के जाने के बाद में उनके जो सोशल काम थे उसका अजाला कैसे किया जाए, जिस तरह से वो करते थे लोगों के काम आते थे, सोशल काम हो, मेडिकल काम हो, लोगों के सुख दर्द की बात हो, किसी भी तरीके के इलाज मुआवजे की बात हो, किसी की दुख परेशानी की बात हो, किसी भी तरीके का जो काम वो करते थे उसका अजाला किस तरह किया जाए, किस तरह उनके उनके खला को पूरा किया जाए, हम सबको बैठ कर इस ताल्लुक से सर जोड़कर सोचना है और उनकी कमी को जो उन पर मुनासिब थे उनको उनकी कमी का एहसास नहीं होने देना है, इसके लिए हम सर जोड़कर बैठे, पहली बात ये। दूसरी बात, कॉरपोरेशन के इलेक्शन अब बिल्कुल करीब करीब है, प्रोसीजर शुरू होने वाले हैं, इतना वक्त लगेगा, क्या लगेगा ये मुझसे बेहतर आसिफ भाई बता सकते हैं आपको, लेकिन खलील दादा की कमी को पूरा करने के लिए कॉरपोरेशन इलेक्शन की को उठाने के लिए कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारी करने के लिए हम सब जिम्मेदार तमाम उद्योगारण इकट्ठा बैठे हैं, इसके लिए जलसा लेना चाहिए और क्या करना चाहिए सभी लोग आप अपने अपने मशवरा अपने अपने राय से नवाजें, जो उस तरीके से पार्टी आगे का मजबूती से कदम उठाने के लिए फिर तैयार हो। भाई अपना अपना मशवरा देखो क्या दो चीज़ों के लिए खलील दादा जो करते थे वो लोगों को किस तरीके से उनकी कमी को पूरा किया गया, वो काम हम करें सर तोड़ कर कर सकते हैं, हर तरीके से उनके खिलाफ को पूरा करने की कोशिश, और दूसरा कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारी के ताल्लुक से जलसा लेना, बड़ा जलसा लेना, किस तरीके से टेम्पो फिर से उठा दिया जाए, हमारी मायूसी हमारे जो धीमापन है उसको खत्म करने के जोश और खरोश से मुझे ऐसा लगता है कि जलसा वगैरह लेना ये क्या करना चाहिए, आप लोग अपने अपने जरूरी मशवरों से नवाजें। राष्ट्रवादी परिवार का एक एक जिम्मेदार एक एक शख्स अगर अपने आप को खलील दादा मान ले कि आज खलील दादा की जगह मैं है, मैं नहीं समझता कि इंशाअल्लाह ताला ये बात आगे ख़त्म हो जाएंगी बल्कि आगे खलील दादा का काम बढ़ते रहेगा, और उन्होंने जो कुछ करके गया है दुनिया को इसी के उनके परिवार को हमारे बड़े साहब ने इकरार किया कि हमको खुद भी ये नहीं समझा कि यार मेरा भाई खलील क्या किस तरीके से आवाम की खिदमत करता है, ये परिवार को भी नहीं समझा था, हमारे लोग की तो बहुत दूर की बात है, उसका अमल जो था गरीबों के साथ काम करना, गरीबों को मदद करना, मगर तभी उसने ऐसे 100 बात ही करके इन्हें किसी की मदद नहीं की है, मैं ये आप लोगों को यकीन के साथ कहना चाहता हूँ। किसके क्या हालात है, किसकी बेटी की शादी है, किसके मकान की ज़रूरत है, किसका पैसा नहीं भरा गया है, अगर शादी ब्याह के मामले में कोई खवातीन और आदमी अगर उसके पास चला जाए कि दादा मेरी बच्ची की शादी है, कोई साधन नहीं है और मैं अभी तक पैसा नहीं भर पाई, कसम खता भी वो खामोशी थे उसको, वो और वो मियाँ बीबी और खलील दादा और अल्लाही के बीच में वो बातें रही है, ये तो आप सब उजागर हो रही है कि मेरा 35,000 रुपया उठा वो भी मेरे को दे दिए, मेरी बच्ची को शादी का भी दे दिए, शायद ये अल्लाह ताला को पसंद थी, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ऐसा काम लिया है कि हमारा ईमान है अल्लाह ताला उनकी माफ़ ठीक होने वाली है, हम लोगों का काम है कि उनके बचे हुए कामों को उनके छुटे हुए कामों के ऊपर हमको निगरानी रखना है, बाकी बड़े साहब और आसिफ भाई तो माशाल्लाह अल्लाह ताला से लगी है, हमको इस फैमिली को कैसे मजबूत उनका दिल करना है, क्योंकि दिल टूटा हुआ है, सब्र कर रहे हैं अल्लाह ताला सब्र दे रहा है उनको, तो हम उनके दम में बरोबर के शरीक सदारत में और श्री रसूल साहब की संतुष्टि
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव में बल फूल रही और बल फूल रही, लेकिन बीच में ऐसा आज सब लिख आया कि हम सब जो मैयत में अली दादा उचित जो शहर में हमारे शहर के ये जमीन की ऐसी खबर और प्रवास हमारे मिली कि भाई अली दादा इंतकाल हो गया हुआ है जमीन से ही हम समालू जाते हैं, तो वैसे वैसे लोग अली दादा घर तरफ आना शुरू हुए, आसिफ भाई घर तरफ आना शुरू हुए, और हमने देखा कि आसिफ भाई की अपनी वालदा का इंतकाल हुआ और बहुत मैयत हुई आसिफ भाई घर, लेकिन जैसा खलील दादा के ट्रेन में लोग जमा होना चालू हुए और उसके बाद फिर ये ऐलान हुआ कि भाई रात में 2 बजे 1 बजे मैयत उठाई जाएगी, और मैयत उठाते उठाते 2 बज गया 2:30 बज गया, जो लोग वहाँ जमा होने लगे तो ऐसा इसके पहले तो किसी की मैयत में ऐसा देखने में नहीं आया। मालेगांव शहर की तारीख में 2 बजे और 1 बजे 3 बजे रात को इतने लोग देखने में नहीं आए, तो उससे ये एहसास हुआ जो लोग भी वहाँ मौजूद थे, जो लोग ने सुने, जो लोग ने देखे, उनको ये एहसास हुआ कि भाई खलील दादा ऐसा क्या करते थे जो इतने लोग आ रहे। यहाँ तो ऐसा था कि खलील दादा दादा है, दादा है, दादा है, उसके बाद इतने लोगों का जमा होना, लोगों ने वहाँ पर बताना चालू करा कि भाई खलील दादा ने मेरे साथ ऐसा किया, खलील दादा ने मेरे साथ ऐसा किया, यानी अच्छाई उनकी बताना चालू किए, तो सुन सुन के आज तक के काम थक गए कि भाई खलील दादा हम क्या, मैं समझता हूँ कि आसिफ भाई का परिवार की ये बात नहीं महसूस नहीं कर सकता था जैसा कि हमारे उस दिन मैयत के दिन देखने में मिला। तो बहुत सारे लोगों का दबदबा, बहुत सारे लोगों पे खलील दादा का दबदबा था, बहुत सारे दादा किस्म के लोग, बहुत सारे बेईमान किस्म के लोग जो लोगों की ज़मीन हड़प कर लेते थे, जो दादा की से ज़मीन हड़प कर लेते थे, तो ये बहरहाल खलील दादा के मार्केट में आने से ऐसा सुनने में नहीं आने लगा कि भाई किसी ने किसी की ज़मीन खा गया, और खाया तो वो कम अज़ कम इसके उसके पास दौड़ता, खलील दादा पास जाता तो माशाल्लाह उसका मसला हल हो जाता था। ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार हमारा पैसा बाकी था, वो खरीदी दे नहीं रहता, दादा पास गए तो दादा बोले यार भैया ये तो खरीदी दे दो या पैसा दे दो, तो ताबड़तोड़ पैसा 1 घंटे के अंदर दिए जब तो देने का नहीं बोलता था। तो ये बहुत सारी बातें सामने आई और ये बहुत सारी बातें मैंने ये महसूस किया कि आज नहीं तो आने वाले दिनों में जब लोगों को ऐसे बीमार किसी के लोगों को ऐसा दादा किस्म के लोगों को ये बात समझ में आ रही कि भाई अभी खलील दादा जो बोलने वाले थे वो मैंने खलील दादा एक अंदर से भी ऐसा काम करते थे कि कोई उनके पास ना भी जाए और वो सुने कि यार इसने गलत किया तो फिर उसको बुला बोलते थे कि गलत कर मत, गरीब को सता मत, यानी वो गरीबों के अंदर थे और मालेगांव के आवाम के अंदर थे और वो किसी भी तरह का जुल्म हो जास्ती बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो मैंने ये महसूस किया कि शायद अब वो जो बात बहुत सारे मैंने बहुत दिनों से नहीं हो रही थी शायद अब होना ना चालू हो जाए, इसलिए मैं भी अंदर ही अंदर सोच रहा था कि भाई खलील दादा की जगह कोई तो भी कम से कम रहना चाहिए जो ये सब बातों को कम से कम रोके, ठीक है। आसिफ भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो है, बहुत सारा इतना काम रहता कि वो किसी का फोन उठा नहीं पाते, किसी से मिल नहीं पाते, तो सभी लोगों से
ऐसे लोगों से कम से कम मिलना बोले तो बहुत कठिन बात है। तो खलील दादा के जैसा कोई चेहरा सेक्रेटरी साहब के घर से रहना चाहिए और हम लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और खलील दादा के और सेक्रेटरी साहब के मानने वाले को हमको ये जो मामला है इस पर मशवरा अच्छा देना चाहिए कि हम कैसे क्या खलील दादा की कमी को पूरा कर सके ताकि जो बात बहुत सारे दिनों से नहीं सुनने में आ रही थी वो आगे भी ना सुनने में आए। इंतकाल हुआ, सब लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की, लेकिन वहाँ पर जो देखा गया या हमको किसी ने सबक हासिल नहीं किया। मुझे जो समझ में आया कि शहर क्या चाहता है, ये वो गौर करने वाली बात थी कि शहर क्या चाहता है। शहर जनरल काम नहीं चाहता, शहर पर्सनल काम चाहता है। यानी जो पर्सनल काम मेरे जो काम करेगा, चाहे मेरे घर के सामने कितनी भी रोड खराब हो, ये खराब, सिर्फ मेरा पर्सनल काम किसने कर दिया, मैं उसके साथ है। ये सबक हमको खलील दादा के वहाँ इंतकाल होने पे ये सबक हासिल हुआ। तो हम सबको जनरल काम के साथ साथ पर्सनल काम लोगों पे भी करना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शंस के अय्याम है। दूसरी बात है, इलेक्शन आ रहा है तो जुम्मा के दिन जलसा लेना चाहिए और तमाम ही पदाधिकारी को और ख़ास तौर से साहब को मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि खलील दादा जैसे पर्सनल लोगों से मिलते थे। आप भी अगर कभी चाहेंगे, जो जिम्मेदार है, जो विंग के लोग हैं, वो डोर टू डोर या पर्सनल पर्सन माउथ टू माउथ यानी अपने जा भी जाके आप बैठेंगे चौक चौक, मेरे साहब से राय है कि कभी गुरुवार वार में एक दिन का दौरा करो, कभी है तो इधर साइड में, कभी इधर साइड में, कुछ उधर के सब जिम्मेदारों को लेके अगर ये करे तो मैं ऐसा समझता कि जो मायूसी है, जो वर्करों में मायूसी है, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि कैसा है कि अभी जब जुम्मा के दिन जलसा कर लेंगे तो कल या आज शाम से कुसुम्बा रोड पे जाए, कुसुम्बा रोड पे अपने जितने भी मुखलिस वर्कर है साहब वहाँ बैठे, एक मुकाम तय करें, सबको वहाँ बुलाए, थोड़ा चाय पानी, थोड़ा चर्चा करें, फिर नदी के उस पार, फिर गोल्डा नगर रसदा चौक, फिर गुरुवार वार्ड, ऐसा अगर साहब दो तीन दिन में करेंगे और सब वहाँ पर एक बनेगा तो एक जलसे का अच्छा मोटो बनेगा, ऐप भी बनेगी और वर्करों की जो मायूसी वो भी खत्म होगी। इतना ही मुझे बोलना और बात कर सकते, वाकई वो नज़ारा कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि मालेगांव शहर में पहली मरतबा हुआ है कि रात में 2 बजे के बाद इसी मैयत में इतने लोगों का रहना। यही मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला यही चीज़ मफरत का जरिया बनाएगा इंशाल्लाह। अब रही बात जो खिलाफ उनके जाने से हमारे राष्ट्रवादी पार्टी में, हमारे शेख रशीद साहब की फैमिली में जो खिलाफ पैदा हो गई, कोई खिलाफ पूर्ण होना आसान बात नहीं रहती है। हर आदमी के एक फितरी अमल भी रहता है। हमारे शेख खलील भाई ने जो किया ये कोई 10 दिन, 1 महीना, 1 साल में उनके अमाल नहीं है। वो अपनी एक पोजिशन लाने में उनके पूरे 50-55 साल लग गए, उसके बाद इस पोजिशन पे आए। तो उनके इंतकाल के बाद अगर हम ऐसा सोचेंगे कि कोई फौरन महमूद बदल मिल जाए वैसा ही सेम, तो वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ नोट किया हूँ कि अभी जैसा कि KD ऑफिस का इफ्तिताह फिर से काम शुरू हुआ, वहाँ पे शेख अकील भाई हमारे, इनका नाम पेश हुआ। शायद यकीन मानो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि शेख अकील भाई से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है और मैं उनकी नेचर को जानता हूँ, साइलेंट और सादा नेचर के। यानी जैसे खलील भाई के अंदर जो कुछ खूबियत है, वो खूबियाँ उनके अंदर है। घर में और बहुत लोग हैं, सब है काबिलियत, लेकिन उनसे मिलती जुलती वो जिस तरह से चलते हैं, लोगों से मिलना जुलना और जैसे उनका व्यवहार चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो थोड़ा सी उनको भी हमें साम नज़र में रखने की ज़रूरत है कि अगर वो श्री खलील दादा का पूरा बनाया हुआ है, पूरा फील्ड बनाए हुए, सिर्फ वो हमारे शेख अकील भाई जो उनके जुड़े हुए लोग थे उनसे सिर्फ वो जुड़ना शुरू कर देंगे, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत हद तक हमारी कमी जो है तो खलील भाई की पूरी हो जाएगी। और मुख्तसर टाइम में आप लोगों को मैसेज मिला, फ़ोन आया और आप लोग मुख्तसर टाइम में आप लोग इस मीटिंग के अंदर अपना वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे पहले तमाम ही हमारे साथियों ने अपनी अपनी बात को रखने की कोशिश की, बात को रखा। असल में जलसा लेना कई साथियों का
पूरे शहर से कई नौजवानों का मैसेज मुझको आए, कई साथियों का फोन आया और पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर दूर से देखकर चले जा रहे हैं, मैसेज डाल दे रहे हैं, फोन लगाकर खैर खैरियत पूछ ले रहे हैं। उनकी हिम्मत भी नहीं है कि खलील दादा के इंतकाल के बाद हम किस मुंह से सामना करेंगे और हम चेहरा एक दूसरे के देखने के बाद हम कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं अपने आप को। इसलिए कई काफ़ी वर्कर बहुत मायूस है, हिम्मत हार चुके और ये 8 दिनों में कई साथी मुझको मेरी मुलाकात हुई, अलग अलग मशवरे सब लोग दे रहे हैं, शेख रशीद साहब को दे रहे हैं, मेरे परिवार को, पार्टी के जिम्मेदारान मशवरा दे रहे हैं। कार्यकर्ता को किस तरीके से इस गम से बाहर निकाला जाए, वर्करों को किस तरीके से रूटीन के ऊपर लाया जाए, इसके लिए असल में आज मशहूर की मीटिंग बुलाई गई। मेन बात है अब हम लोग पर्सनल मिलकर हम लोग वर्करों से उनका हौसला तो नहीं दे सकते क्योंकि हजारों हमारे वर्कर हैं, बाकी काफी लोग आ रहे हैं तो उनसे तो हम लोग बातचीत करके समझा के तसल्ली देकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वो काम तो चल ही रहा है और सब हम लोग मिलकर, आप और हम मिलकर, मेरे परिवार के सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये बात उतनी सच है, खलील दादा की जगह तो कोई नहीं ले सकता है क्योंकि हमारे परिवार को भी इसका इल्म नहीं था। ईमानदाराना तौर पर मैं मेरी चाची के पास जब गया इंतकाल के दूसरे दिन, तो चाची से मैंने मुलाकात किया, उनके पास बैठा और उनसे पूछा कि खलील चाचा का इतना बड़ा हलका था, इतना उनका लेन देन था, इतना गरीबों का साथ दिया करते थे, इतना उनका समाज के अंदर काम था, क्या वो आपको पता था क्या? उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि मुझको भी उन्होंने वो कुछ नहीं बताते। और हम भी आपकी तरह, हम भी जो दिखता था वही हम भी देखते थे, आप भी देखते थे, शहर दिखता था, लेकिन इतने डीप तक, इतनी गहराई तक गरीबों का साथ देना, ये जब उनके इंतकाल के बाद उनके दुनिया से जाने के बाद में हम लोगों को भी समझ में आया और अभी तक सब अलग अलग तरीके की बातें हमारे सामने आ रही है। बहरहाल हमारे अपने परिवार ने बैठकर ये बात का फैसला किया है कि हम लोग उनकी जगह तो नहीं ले सकते लेकिन उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर वो जो काम करते थे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंच सके हम लोग। बहरहाल मेरा भी यही मशवरा है, जैसा आप लोगों का मशवरा आया इसी तरीके से मेरा भी मशवरा है कि जलसा लेना चाहिए ताकि हमारा छोटा कार्यकर्ता जो वोटर है, जो शहर की आवाम है, जो हमारे परिवार से जिसका अटैचमेंट है, जो मोहब्बत करता है, उसको इस गम से बाहर निकालने के लिए, हौसला देने के लिए हम लोगों को एक जलसा लेना चाहिए। अगर आप लोगों की राय होगी तो आने वाले जुमा को सैलानी चौक सफीर नगर गुरुवार वार्ड के अंदर हम लोग एक जलसा ले और वहां पर पूरे शहर लेवल के ऊपर हम और आप मिलकर मेहनत करके उस जलसे को कामयाब करें, ऐसी मैं तजवीज रखता हूं। अगर आप का इत्तेफाक होगा तो आप हाथ उठा के हाँ बोलिए जी। बारिश का देखते रहो प्रणाम, बारिश का देखते रहो, बारिश बहुत फैल रहा है। मेरा ऐसा बोलना है कि पहली बात तो ये होगी कि अभी मैं बैठा बैठा व्हाट्सएप देख रहा था कि 144 जमावबंदी मुंबई के अंदर अभी गवर्नमेंट ने लगाई, वो भी 10 जुलाई तक लगाई।
तो शायद बड़े रोड के ऊपर उसको नहीं लगता कि परमिशन मिले। इसके लिए मेरी खुद की भी जाती है राय है कि सैलानी चौक गुरुवार वार्ड में ही चल सकता है, क्योंकि काफी दिनों से डिमांड आ रही थी गुरुवार वार्ड की, हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए वहां पर सैलानी चौक में जहां पर रियाज अली और अपने उनकी पहलवान की पान टपरी है, वहां पर स्टेज अगर लगाया जाए राजू पहलवान और वो पूरी तरीके से पूरा बड़ा रास्ता मिलेगा, सामने का भी रास्ता है, लेफ्ट का भी पार्किंग, अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ होगा, तो आपकी राय आई है। इसके लिए मैं ऐलान करता हूँ कि आइंदा जुमा इंशाल्लाह वहाँ पर हम लोग जलसा लें, और बाकी की बात वहाँ पर खलील दादा के कामों का, उनके उनका इंटरनेट कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, शेख रशीद साहब अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे, मैं भी रखूँगा। दूसरी बात, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का भी उसके अंदर मुद्दा शामिल रहेगा। ये जहां पर खलील दादा के कामों को आगे बढ़ाने के लिए ये जलसा होगा, तो वहीं पर सियासी भी जलसा होगा, और कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का भी टॉपिक उसके अंदर हम लोग शामिल करें, ऐसी मेरी अपनी राय है। 28 तारीख को वार्ड रचना के ऊपर ऑब्जेक्शन की हेयरिंग है, जिन जिन लोगों ने शहर में वार्ड पर ऑब्जेक्शन लिया उनकी सुनवाई है, हेयरिंग है, और पूना से कोई आईएएस ऑफिसर सुनवाई लेने के लिए रेस्ट हाउस के अंदर पहुंचने वाले हैं, ऐसी मेरी मालूम है। 6 जुलाई को फाइनल वार्ड रचना डिक्लेयर हो जाएगी, और उसके बाद करीब करीब मैं समझता हूं कि इलेक्शन की बाकी यादी फाइनल हो जाएगी, पोलिंग सेंटर फाइनल हो जाएंगे, बाकी तमाम ही कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। एक साधारण ऐसा लगता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाए ऐसा लगता है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हमारी भी मुद्दत खत्म हो गई, प्रशासक बैठा है, और महाराष्ट्र में हर कॉरपोरेशन का एक प्रशासक बैठा, मुंबई में भी, मुंबई कॉरपोरेशन हो, थाना हो, पूना हो, या ऐसे सभी कॉरपोरेशन औरंगाबाद हो और मालेगांव हो, भिवंडी, तमाम ही कॉरपोरेशन में प्रशासक बैठे। इसके लिए मुझे लगता है कि सबकी मुद्दत खत्म हो गई, इलेक्शन कमिश्नर का कोई भरोसा नहीं, वो कब भी डिक्लेयर कर दे। इसके लिए हम लोगों को अपनी तैयारी से रहना चाहिए और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। जो सिंबल से चुन कर आए, एक सिंबल पर, एक पार्टी एक सिंबल पर जो लोग चुन कर आए, मुझको ऐसा लगता है कि वो दो गट उस पार्टी के उस सिंबल के नहीं हो सकते, गट अलग नहीं बन सकता। अगर गट अलग बन सकता था तो 40 एमएलए आसाम के अंदर है, तो क्यों गट नहीं बना, क्यों बीजेपी बाहर नहीं आई, क्यों बीजेपी दावा नहीं कर रही, क्यों बीजेपी आओ इस बार प्रस्ताव दाखिल नहीं कर रही, ये बहुत सारे सवाल सामने हमारे अपने हैं। बीजेपी क्यों खामोश है, तो इसकी वजह है एक कानूनी तौर पर वो गट अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक चिन्ह एक सिंबल पर चुनकर आने वाले हैं, इसके लिए अलग नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश के अंदर 20-22 एमएलए गए थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था और री इलेक्शन के अंदर जाना पड़ा था, उन्होंने गट नहीं बनाया। कर्नाटक के अंदर ऐसा ही हुआ, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने भी गट अलग नहीं बनाया। तो इसके लिए मुझको लगता है कि जो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, मुझको लगता है कि ये सरकार 5 साल मुकम्मल करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसकी वजह है कि कानूनी बात भी सरकार के बाजू में है, और जो एमएलए वहां पर गए हुए हैं, जो भी मेरे पार्टी लीडरान से जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, तो वहां पर उनको गलत फहमी उनकी हो गई, उनको ये बोला गया कि सिर्फ अपने को दबाव बनाना है, फंड ज्यादा लेना है, दबाव बनाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, हमको बगावत नहीं करना है। लेकिन जब किसी होटल में चले गए और होटल के अंदर गुजरात की पूरी पुलिस होटल घेर ले रही है, वहां पर फौज लगा दे रही है, किसी को अंदर ना आने की ना बाहर जाने की इजाजत ना हो, जाहिर सी बात इंसान मजबूर होता है, वहीं रुका है।
तो ये तमाम ही बातें सियासी तौर पर है। बहरहाल हमको लगता है कि सरकार रहेगी, हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ऐसे भी हमने तो धूप भी देखा है, छाव भी देखा है। सरकार रहे या ना रहे, एमएलए रहे ना रहे, कॉर्पोरेशन में मेयर रहे ना रहे, हम तो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं। और आज तो अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है हमारी पोजीशन पार्टी की। 2009 और 12 की तरह के तो है नहीं कि 9 के अंदर कॉर्पोरेशन भी चली गई थी, असेंबली भी चली गई थी, 12 में 3 साल हमारे पास तो कोई सत्ता नहीं थी, एक प्रभात जर्मनी हमारे पास नहीं थी, जब तो सिर्फ 15 ही कॉर्पोरेटर थे। लेकिन 12 के अंदर दोबारा आप लोग और शहर की वर्करों की बदौलत, ताकत के बदौलत हमने उस वक्त तो 25 सीट लाया था जब कुछ नहीं था। आज अल्लाह का करम है, बहुत कुछ अल्लाह ने हमको नवाजा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग धूप और छावर से नहीं डरते, संघर्ष करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और आवाम भी देख रही है कि काम करने वाले लोग कौन हैं और कौन लोग नाकाम हैं। तो मुझे लगता है हमको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा वक्त नहीं।